हेलो एवरीवन। सो मैंने ऑर्डर किया था एगारो का वैक्यूम क्लीनर और ये है डिलीवर, और ये डिलीवर हो गया है। सो आइए इसे ओपन करते हैं। 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। 16.5 kPa का सक्शन है इसका। 1 ईयर वारंटी। इस तरीके की पैकेजिंग है इसकी। इसमें ये 3 पाइप्स और मिली हैं। 5 मीटर लॉन्ग कॉर्ड है इसका। सो ये रहा वैक्यूम क्लीनर का ओवरऑल लुक। सो इसमें व्हील्स भी है। ये इसका ब्रश ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स करते हैं ऑन। इसे आप आसानी से इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, या आपके पीछे पीछे आ जाएगा इस तरीके से। सो इसमें ये 4 टाइप्स के ब्रशेस मिले हैं। सो इन्हें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कि ये सारे ब्रशेस को आप वॉश कर सकते हैं और ब्रशेस रोटेट हो जाते हैं। ये तो हो गए ब्रशेस हमारे। अब देख लेते हैं वैक्यूम क्लीनर का। सो ये देखिए व्हील मैंने अटैच कर दी है। सो जब आप वेट क्लीनिंग करेंगे तो भी पानी इसमें स्टोर होगा, और जब आप ड्राई क्लीनिंग करेंगे तो भी सारे डस्ट इसी में आपका स्टोर होगा। सो आप इसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक ये डस्ट फिल्टर मिला हुआ है। सो इसे हम सबसे पहले इसमें लगा देते हैं। अगर हम धूल मिट्टी साफ कर रहे होंगे, सोफा वगैरह साफ कर रहे होंगे, या कुछ भी साफ कर रहे हैं, वेट क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, गीली चीजें नहीं साफ कर रहे हैं, पानी वगैरह, हमें हमेशा ये फिल्टर लगा देना है। सो इससे क्या होगा कि सारे डस्ट अंदर आ जाएंगे, इसके यहाँ पे अंदर आ जाएंगे और ऊपर इसके मोटर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आप इसको भी आसानी से, इसमें भी धूल मिट्टी लगती है, तो क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप वेट क्लीनिंग कर रहे हैं, लिक्विड चीज़ों को आपको क्लीन करना है, पानी गिर गया है वो आपको सुखाना है या कुछ भी, तो आपको ये हमेशा निकाल देना है, डायरेक्ट मोटर इसमें लगा दीजिए, तो फिर वेट क्लीनिंग होगी। और अगर आप ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं सो आप ये यूज़ कर लीजिए। सो अब देखिए ये जो हेड पार्ट है इसका, हेड पार्ट ये है इसका। सो आपको इसे कभी धुलना वगैरह नहीं है, ये आपका हमेशा सिक्योर आपको रख देना है अलग, और बाकी चीज़ों को आप क्लीन कर सकते हैं। सो इसमें इस तरीके का फिल्टर लगा हुआ होता है। सो जब भी आप वेट क्लीनिंग करें या क्लीनिंग करें, सो आप इसे निकाल करके, वॉश करके, ड्राई करके फिर से इसमें लगा सकते हैं। मीन्स जब ये पूरी तरीके से सूख जाए तभी आप इसमें लगाइए। फिर इसके ऊपर का ये कैप है, ये भी आपको ड्राई करके फिर यहाँ पे लगा लेना है अच्छे से। सो इस तरीके से ये लग गया पूरा, और ये इसमें रखा हुआ है जैसे कि आपको ड्राई क्लीनिंग करनी है। सो अब आप इसे कुछ इस तरीके से इसमें फिट कर दीजिए, रख दीजिए, और साइड में ये दोनों आपको लगा देना है। फिर कुछ इस तरीके से ये फिट हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और कॉर्ड इसकी काफ़ी लंबी है, 5 मीटर लंबी है कॉर्ड इसकी, इसका वायर। सो आप आसानी से इसे आप ड्रैग कर सकते हैं, व्हील्स लगी हुई है, और क्लीन कर सकते हैं जो भी क्लीन करना है। इसके साथ आपको ये 3 रॉड्स मिली हुई है, मैंने आपस में तीनों अटैच कर दी है और ये इतना लंबा बन चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक निकाल दी है और ये 2 हैं। सो उस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसे तीनों ज्वाइंट कर लीजिए, या 2 कर लीजिए, या सिंगल से यूज़ कर लीजिए, आपको ज्वाइंट करना है। पाइप का साइज़ इतना बड़ा है। इस वैक्यूम क्लीनर में 2 तरीके के फंक्शंस हैं, जैसे कि अगर आप आगे इसे यहाँ पे अटैच करेंगे, फंक्शन का काम करेगा, हवा को अंदर खींचेगा, मींस जो भी डस्ट आप क्लीन कर रहे होंगे वो सारे ये अंदर को खींच, तो जो भी चीज़ें आप क्लीन कर रहे होंगे वो ये अंदर को खींचेगा अगर आप इसको आगे की साइड यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं। सो ये अंदर के साइड सारे डस्ट को खींचेगा और अंदर इसके स्टोर कर लेगा। जब भी आप वेट क्लीनिंग भी करेंगे, पानी वगैरह सुखाना है, तो भी आप यहाँ पे अटैच करेंगे और अंदर की तरफ ये सारा खींच लेगा पानी, और इसमें स्टोर हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। और धूल मिट्टी जमा हो गई है और आपको वहाँ से हटाना है, या कोनों में बहुत सारी धूल मिट्टी है जो कि आप अंदर ब्रशेज नहीं डाल सकते हैं, आपको बाहर की तरफ हवा को ब्लो करना है। अब इसमें पीछे अटैचमेंट दी हुई है, यहाँ पे उसे यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे जब आपको बाहर की तरफ ब्लो करना होगा। सो आप और ये जो 3 रॉड्स मैंने दिखाई थी, ये वाली, ये आपको इसी में ज्वाइंट करना है। यहाँ पे आप ज्वाइंट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से ये ज्वाइंट हो गया है। सो इसके साथ 3 रॉड्स मिली थी। अगर आप 2 ज्वाइंट करना चाहें 2 करें, 3 करना चाहें 3 करें, 1 करना चाहें 1 करें। इन्हीं पाइप में आपको ज्वाइंट करना है ये ब्रशेस। सो जो भी ब्रश आपको यूज़ करना है वो आप यहाँ पर ज्वाइंट कर लीजिए आसानी से।
सो इस तरीके से आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर ये है ऑन ऑफ बटन। सो इस पे लिखा हुआ है 0 and 1। सो 0 का मतलब ऑफ है, 1 का मतलब ऑन है। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन है। सो आपको कॉर्ड अटैच करना होगा, इस तरीके का कॉर्ड है इसका, इसको अटैच करके ऑन करेंगे, फिर यहाँ से आप ऑन कर लीजिए और ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको फ्लोर क्लीनिंग करनी है, बेड की क्लीनिंग करनी है, सोफा वगैरह क्लीन करना है, सो आप इस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रश काफ़ी बड़ा है और उसके बाद रोटेट भी हो जाता है। अब कोनों में कहीं पे सफाई करनी है या किसी छोटी चीज़ों की सफाई करनी है, सो आप ये ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी सोफों के कॉर्नर में और ये भी सोफ़ा वगैरह क्लीन करने के लिए काफ़ी सही ब्रश है। सो इससे भी आप क्लीन कर सकते हैं, मैट्रेस वगैरह क्लीन कर सकते हैं, फ्लोर कहीं का क्लीन करना है, किचन का क्लीन करना है, सो इस तरीके के ब्रश से आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्टिकी है, सो ये चिपक जाता है, अगर आप पर्दे वगैरह में यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा चिपकेगा ये। और ये वाला ब्रश देखिए, अगर अंदर की तरफ भी कहीं कोनों में अगर है तो आप इसको आसानी से कोनों में यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आप बाहर की तरफ भी आप ब्लो कर रहे हैं एयर को, सो आप तब भी इस ब्रश का अगर यूज़ करेंगे सो एयर काफ़ी तेज़ी से ब्लो होगा। सो ये है इस वैक्यूम क्लीनर का ओवरऑल लुक। आगे से ये सक्शन का काम करेगा और पीछे से ये एयर को ब्लो करेगा। जैसा कि इसके बॉक्स में भी मेंशन था, ड्राई क्लीनिंग आप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बिखर गई है फ्लोर पे, सो आसानी से आप उसे ये अंदर अपने खींच करके साफ़ कर सकता है। वेट क्लीनिंग में आपका कहीं पानी वगैरह गिर गया है वो आसानी से खींच लेगा, साफ़ कर देगा। हाँ, एकदम ड्राई नहीं करेगा, ये आपका पूरा खींच लेगा, लेकिन थोड़ी देर आपको फ़ैन वगैरह ऑन करना होगा, सो वहाँ पर वो सूख जाएगा। और ब्लो का ऑप्शन मैंने बता ही दिया है कि एयर आप इसमें बाहर की तरफ भी फ्लो कर सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं। 10 लीटर इसमें डर्ट कलेक्ट करता है, 60 डिग्री रोटेट भी हो जाता है और 1 ईयर इसकी वारंटी है। वेट क्लीनिंग कर रहे हैं, पानी काफ़ी ज़्यादा है, सो जब भी ये टैंक फुल हो जाएगा तो आपको इंडिकेट करेगा, या आप खुद से ही अनुमान लगाइए कि कितना पानी इसमें आ सकता है। यहाँ तक अगर आ गया है तो आप उसको फिर से खाली करके फिर से आप यूज़ कर सकते हैं, मीन्स पानी आप गिरा दीजिए और फिर से यूज़ कर लीजिए। और आप जब भी पूरी ड्राई क्लीनिंग कर लें, अगर ज़्यादा डर्ट हो गई है सो हमेशा इसको क्लीन कर लें और उसके बाद उसे ड्राई करिए आप। ये था ओवरऑल रिव्यू। और भी ऐसे वीडियोस के लिए, अनबॉक्सिंग के लिए और एकदम जेन्युइन रिव्यू के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। कोई भी अगर क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था अगारो का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर 1000 वॉट का। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब में आपको इसकी फुल लिंक मिल जाएगी प्राइस के साथ, और आप बाय कर सकते हैं इसे अमेजोन से। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा मेरे चैनल के, सो आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।